हेलो गाइस। हेलो। तो आज हम अपने भाई के प्रोजेक्ट के बनाने के लिए सामान लेने जा रहे हैं। हॉलीडे होमवर्क है इनका, काफ़ी महंगा हॉलीडे होमवर्क है। DDPS में पढ़ते हैं तो महंगा स्कूल, महंगा हॉलीडे होमवर्क। और स्कूल वालों देख लो, तुम लोग काम तो देखते हो, बच्चे खुद नहीं करते, बड़ों को परेशान करते हैं, इन्हें साथ में लगाना पड़ता है इतना भारी काम। तो जैसे जैसे आपको प्रोजेक्ट बनेगा आपको मैं अपडेट देता रहूंगा, ठीक है। चलो सारथी रथ आगे बढ़ाओ हमारा। तो अब सामान लेने जा रहे हैं रथ में हम। हमारा ये बड़ा ही इसमें गिर से पाया हुआ था। तो कितना एक्साइटेड हो आप अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए? नहीं, रिपीट क्वेश्चन, कितना एक्साइटेड हो आप हमारा अपना प्रोजेक्ट हमसे बनवाने के लिए? What? स्कूल वालों देख लो, बच्चों को उनके लायक काम दिया करो। बड़ा तुम लोग बड़े स्कूल स्टैंडर्ड के चक्कर में इतना हैवी काम दे देते हो, बड़ों को लगना पड़ता है उसमें। मुझे ब्राजील से बुलाया गया है काम करने के लिए। और काफी सुंदर जगह है ये इलाका, जो भी है बहुत ही सुंदर जगह है। चारों तरफ घास ही घास। और हम चले हैं अपने रथ में, सारथी रथ आगे बढ़ा रहे हैं हमारे। मार्केट इलाका है, यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स हैं और स्टेशनरीज भी है बहुत सारा, पूरा इलाका सुपरमार्केट वाला है। और इंडियन सड़कें अंग अंग फड़के, इंडिया की सड़क है, गड्ढे तो होने ही है दोस्त बारिश में। कहाँ गए हम, किधर जाना है? अच्छा, तो आगे जाना है। अभी हम साइबर कैफे आए हैं अभय का प्रोजेक्ट निकलवाने, और जिसका प्रोजेक्ट है वही कैमरे से बाहर है। तो क्या निकलवाना है सर आपको? देखा बस। तो ये आइटम, इस आइटम के लिए चलो सस्ते में निकला है, 20 रुपए में मात्र। पर ऐसा नहीं है, मेहनत नहीं करी है, फोन पर पहले मैंने बनाया है, कोलाज पूरा ढूंढा है। लेकिन सोचो उससे बच्चा क्या सीखेगा, कुछ नहीं। अगर इसी के ऊपर निबंध लिखने को देते, हमारे समय में ऐसे लिखते थे हम लोग, है ना, हमारे समय में ऐसे लिखते थे हम लोग, तो काम चलता था हमारा। लेकिन अब क्या सीखेगा बच्चा इससे, कुछ नहीं। ऐसा फोन में हम लोग बना लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, बच्चा क्या करेगा इसमें? क्यों अब है, क्या करेगा बच्चा, क्या करेंगे इस देश के युवा? कुछ नहीं पता है। तो आगे अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो अभय का ये सामान ले लिया है, और कोई भी सामान सस्ता नहीं है। 40 रुपए की एक सीट है, और ऐसी कई सीट लेनी पड़ी है हमें। मतलब यार इतना महंगा प्रोजेक्ट है यार, बच्चों को रिसाइकल वाला सिखाना चाहिए ना, महंगा प्रोजेक्ट। चलो फिर भी जस्ट बना रहे हैं ना, अब करके देखते हैं क्या होता है। अब चलो डोसा खाएं। हाँ खाओगे? डोसा अच्छा नहीं लगता? क्या अच्छा लगता है? डोसा है ना, तो चलो अब डोसा खाते हैं, आओ। सब चीज ओपन में है, तो है आगे का सीट मिल गई हमें, है ना। ट्रेन पर रुमाल रख के सीट लगानी पड़ी है। अब डोसा आएगा, देखते हैं कैसा लगता है। ये आ गया है हमारा खाना। अब है शुरू करें, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, ट्राई करके देखते हैं। डोसा है ना, मोमोज खाएगा, ठीक है भैया। हाँ मोमोज खाएगा, चलती। तो अब हम मोमोज खाएंगे अब, हैं? ठीक है, कैसा लगेगा आपको मोमोज खा के? तो अपनी गाड़ी की डिक्की पर रख के मोमोज खा रहे हैं, अजीब एक्सपीरियंस है, पर चलो खाते हैं। तो पूरी शॉपिंग हो गई है, सारा सामान आ गया है ये रहा। अरे ये भी तो है। हाँ हाँ, तो फेविकॉल भी दिखाना पड़ेगा। तो सारा सामान आ गया है, अब हम घर जा रहे हैं, पूरी शॉपिंग करके प्रोजेक्ट बनाएंगे, आधा आज बनाएंगे, लेट लेट कल बनाएंगे। और आपको ब्लॉग में आगे तक देखना, क्योंकि इनके स्कूल में 3D मॉडल बनाने को कहा गया, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। हालांकि वो एक बच्चे के बनाने वाली नहीं है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग चीज बनाने को बोली गई है इनके यहाँ। यानी बड़े स्कूलों के बड़े चोचले, मतलब अमीरों वाले। तो देखते हैं, अब बना के देखते हैं, आप ब्लॉग में आके देखना कैसा बनाया है हमने, और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा बनाया है। ठीक है गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है दिन प्रोजेक्ट बनाने का, कल सिर्फ हम सामान ला पाए और कुछ खा पाए, आज प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो कई प्रोजेक्ट हैं, 3D क्यूब्स रेक्टेंगल बनाना, बच्चों का प्रोजेक्ट अपर बनाते पड़े हैं, क्योंकि बच्चे तो बना नहीं सकते। पता नहीं स्कूल वाले क्या सोच समझ के देते हैं ऐसा प्रोजेक्ट। तो अपने क्यूब्स हो गए और कुछ 3D मॉडल हो गए, एक बताओ नोवेल बनाने को दे दी बच्चों को,
अब बंदा बच्चा टॉपिक ढूंढे, फिर नॉवल बनाए और उसे रीड करे। चलो रीड करना अच्छा, पर नॉवल बनाया कैसे? बनाने वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब है। देखते हैं आज नॉवल कैसे बनती है, आपको अपडेट देते रहेंगे। वीडियो को आगे तक देखिए और फिलहाल व्यू एंजॉय।